नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट ASP में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करें कि 28 अगस्त 2023 को निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैसी होगी, गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, क्या निफ्टी में अभी भी गिरावट है या बैंक निफ्टी में अभी भी गिरावट दिख रही है या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट के लाइव अपडेट, जैसे हमें एक इंडिकेट मिले कि मंडे के दिन मार्केट कैसे खुलेगा। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि 25 अगस्त 2023 को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया। फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी लगभग दो दिन में 550 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली। गुरुवार और शुक्रवार के दो दिन में ही मार्केट में 550-550 की गिरावट हमें दी। तो अभी मंडे के दिन हमें मार्केट में थोड़े से कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलेंगे। मार्केट फ्लैट खुलने की ही ज़्यादातर उम्मीद है। अगर मार्केट निफ्टी ओपन होता है, अगर गैप अप, तो फिर आप मार्केट में वापस हमें रिकवरी या डाउन साइड जाते हुए हमें वापस से देखने को मिल सकता है। निफ्टी का जो अगस्त जो एक्सपायरी है वो उसके लिए अभी सिर्फ 3 दिन ही बाकी है। इस मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी दोनों ही 3 दिन में आने वाले हैं। निफ्टी अभी लगभग 19,244 पर काम कर रहा है और आने वाले 3-4 दिन में हमें थोड़ी सी निफ्टी 100-150 पॉइंट की बढ़त तो देखने को मिलेगी, लेकिन वापस हमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि पहले कि इसके इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, वो हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले हम देखते हैं कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद बैंक निफ्टी के भी देख लेंगे। तो ये है NSE की ऑफिशियल साइट, जहाँ पर अब हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या होंगे। निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो है 19,300। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 2,03,398 के कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है। और जो सपोर्ट साइड पे हमें देखते हैं कि पुट साइड पर, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है 1,00,000, यहाँ पर 19,200 पर 19,200 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट, और 19,300 ये रेजिस्टेंस। और अभी हम देख रहे हैं कि टोटल कॉल राइटर है 26,23,339, ये टोटल कॉल राइटर है। और टोटल पुट राइटर जो है इसमें 17,19,000, इतने पुट राइटर है, 17,19,743 पुट राइटर है। अभी हम जो दोस्तों देखते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थिति है। बैंक निफ्टी भी हमें आज गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग है 44,167 और लगभग 264 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। लास्ट के दिन टाइम में बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर हमें देखने को मिला। मंडे के दिन बैंक निफ्टी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेंगी, लगभग 150-200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हमें
मंडे के दिन मिल सकती है। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी की जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी की इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो 172,497 ये बैंक निफ्टी के लिए 44,500 ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 44,500 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है 44,000 ओके 44,000 सपोर्ट और 44,500 रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पर हमें यही 500 पॉइंट के आसपास हमें बैंक निफ्टी घूमता हुआ देखेगा। टोटल अगर हम देखेंगे तो कॉल राइटर जो है इसमें टोटल कॉल राइटर है 24,62,681 यहाँ पर टोटल कॉल राइटर है। और पुट राइटर जो है टोटल यहाँ पर वो है 19,33,907। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी दोस्तों हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट की ओर। ग्लोबल मार्केट के आज के लाइव अपडेट जो है आप यहाँ पर देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट थोड़े से पॉजिटिव दिख रहे हैं हमें। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए डाउ जोन 200 लगभग 300 पॉइंट की बढ़त के साथ काम कर रहा है। 34,407 अभी डाउ जोन है 34,408 डाउ जोन। नजदक है 15,947 पॉइंट की बढ़त के साथ काम कर रहा है। डैक्स 15,631 10 पॉइंट के साथ काम कर रहा है। निक्केई 31,874 160 पॉइंट की बढ़त। आज फ्राइडे के दिन जो निफ्टी का क्लोजिंग है 19,265 120 पॉइंट की गिरावट। और निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 19,258 134 पॉइंट की गिरावट। तो दोस्तों ये थी आज की ग्लोबल मार्केट की लाइव अपडेट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैं आपको शेयर मार्केट से जुड़े हर एक अपडेट आपके साथ शेयर करने में आपकी सहायता करूं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।